सूरह इब्राहिम की इब्तदाई आयात है, उन आयात में फरमाया किताबुन अंजलनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ये अजीम शान किताब हमने उतारी है, किताबुन अज़ीमुन, बहुत अजमत वाली हमने किताब उतारी है आपकी तरफ। क्यों उतारी है? लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ए नबी, इस किताब के बगैर सारे के सारे लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं, जुल्मतों में पड़े हुए हैं, आप उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आइए। कुफर में पड़े हुए हैं, कुफर अंधेरा है, कुफर से निकालिए, ईमान की तरफ लाइए। नंबर दो, शिर्क में पड़े हुए हैं, शिर्क से निकालिए, तौहीद की तरफ लाइए। नंबर तीन, वो निफाक में पड़े हुए हैं, निफाक से निकाल कर इखलास की तरफ लाइए। और नंबर चार, वो गुनाहों के अंदर मुबतला हैं, गुनाहों से निकाल कर आप इताअत और फर्माबरदारी की तरफ लाइए, इसलिए कुरान है। और नंबर पांच, शुकूक और शुबहात में पड़े हुए हैं, शुकूक शुबहात से निकाल कर आप इनको यकीन की तरफ लाइए। कभी तौहीद के मुतालिक शुबहा, अल्लाह के मुतालिक शुबहा, कभी रिसालत के मुतालिक शुबहा, कभी आखरत के मुतालिक दिल में शक और वसवसा, इन वसाविस से और इन शुकूक और शुबहात से अगर आप बचाना चाहते हैं और आप बचना चाहते हैं तो लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये अल्लाह का बेहतरीन कलाम है जो आपको शुकूक और शुबहात से निकाल कर यकीन की दौलत अता करेगा। आखरत पर यकीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन, अल्लाह की तौहीद पर यकीन, जन्नत पर यकीन, जहन्नम पर यकीन। कैसा यकीन नसीब होगा? सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक प्यारे सहाबी से पूछा, कैफा असबहता, कैसे सुबह किए आपने? उन्होंने कहा, असबाह तो मोमिना, अल्लाह के रसूल, मैंने ईमान की हालत में सुबह की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या हमने भी कभी ये सवाल पूछा आज किसी से? हमारा भी ये सवाल होता है। हमारा सवाल ये है, ठीक हो, सेहत ठीक है? भाई कोई शक नहीं, सेहत भी पूछो, लेकिन सहाबा पूछते थे, ईमान का क्या हाल है, आमाल का क्या हाल है, नमाजों का क्या हाल है, तिलावतों का क्या हाल है? कितनी तिलावत रोजाना पढ़ते हो? कितना कुरान रोजाना पढ़ते हो? तारीख ने लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ऐसा अदल कायम हुआ, ऐसा इंसाफ कायम हुआ कि लोग पूछते थे, हाँ भाई आज रात में तहज्जुद पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, भाई रात में कितना कुरान पढ़ा? कोई कहता, रात में आज तहज्जुद में मैंने 10 पारे पढ़े, कोई कहता मैंने 5 पारे पढ़े, कोई कहता मैंने 7 पारे पढ़े, कोई अफसोस करता कि हाय अफसोस आज मैं तहज्जुद से महरूम हो गया। इस किस्म के तज़किरे, इबादात के तज़किरे और सवालात के तज़किरे होते थे। और फरमाया, उनसे कुछ पहले जो खुलाफा गुजरे हैं, उन खुलाफा के ज़माने में जब ये निज़ाम नहीं था तो वहाँ सवाल होता था, आज क्या काम हुआ भाई, आज कौन सा पुल बना, आज कौन सा तरक्याती काम हुआ, आज क्या हुआ, इस किस्म की खबरें आती थीं। और जब आमाल का रिवाज पड़ा तो फिर आमाल की खबरें आती हैं। आज आप हमारा मीडिया देख लें, आज आप हमारी अखबारात देख लें, आज आप हमारे ज़राए इबलाग देख लें, क्या खबरें आती हैं। उन खबरों को पढ़कर तो इंसान ईमान से दूर ही होता है, अल्लाह से दूर ही होता है, सिद्क व वफा की बातें अंदर से निकल जाती हैं। लेकिन उस जमाने में तज़किरे आमाल के होते थे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे कैसे सुबह तूने की है? बड़ा प्यारा जवाब दिया उस सहाबी ने, उस जान निसार ने, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जवान ने जवाब दिया, असबहतु मोमिना, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने ईमान की हालत में सुबह की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हर शय की निशानी होती है, हर शय की शनाख्त होती है, तेरे ईमान की क्या निशानी है?
तू कह रहा है मैंने ईमान की हालत में सुबह की है, जरा बता तो सही ईमान की क्या निशानी है तेरे पास। अल्लाह अकबर, ईमान की क्या निशानी है मेरे प्यारो मेरे अजीजो। इस निशानी को सुनने के बाद अपना एहतसाब कर ले, अपना एहतसाब कर ले, अपना मुहासबा मैं भी करूं आप भी करें। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सुबह जब हुई है तो मैंने एक लम्हे जन्नत की तरफ निगाह की और एक लम्हे मैंने जन्नत की तरफ सोचा, मुझे यूं लगा आंखों के सामने नजर आ रहा जन्नत वाले जन्नत की नियामतों से लुत्फ अंदोज हो रहे और मजे से मसहरियों पर आमने सामने टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं और जन्नत के गिलमान और जन्नत के खादिम उनके सामने किस्म किस्म के मशरूबात और खाने की चीजें उनके सामने लेकर पेश हो रहे और जन्नत वाले लुत्फ अंदोज हो रहे। मैंने जन्नत को इस तरह से देखा है, ऐसा लगा जैसा मैं अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा हूं। दूसरी तरफ मैंने जहन्नम को जब देखा, जहन्नम को मैंने सोचा तो ऐसा मुझे नजर आ रहा, ऐसे नजर आने लगा जैसे कि जहन्नम वाले चीखो पुकार कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, उनकी फरियादें कोई सुनने वाला नहीं है और यूं कह रहे हैं रब्बना अबसरना व समयना फरजना नामल सालिहन इन्ना मोकिनून। अल्लाह एक बार दुनिया में वापस ले जा, एक बार दुनिया में वापस ले जा, हम नेक आमाल करके आ जाएंगे। कहा इस तरह से मुझे जहन्नम नजर आ रही थी तो आपने फरमाया हारिसा तूने सच कहा, तूने सच कहा, तुझे वो यकीन नसीब हो गया है जिस यकीन की मैं दावत देता हूं। इसको कहते हैं ईमान। तो शुकूक शुबहात से ईमान, शुकूक शुबहात से यकीन की तरफ लेकर आना ये कुरान करीम का मंशूर है, ये कुरान करीम का हदफ है, ये कुरान करीम का मकसद है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने इसे उतारा है।